बज गया बिगुल, बिच गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका, किसकी होगी मात। आप देखेंगे झारखंड विधानसभा से जुड़ी हर चर्चा और नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। बेगूसराय में आज नशाबंदी व जल जीवन हरियाली के समर्थन में बेटियों ने दौड़ लगाई। सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने दौड़ लगा, लोगों में नशाबंदी व हरियाली का संदेश दिया। नशा नहीं करने, पर्यावरण की रक्षा को लेकर पेड़ लगाने, जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम को लेकर बच्चियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। शहरवासियों ने भी बच्चियों का खूब हौसला बढ़ाया। पूर्व मेयर सहित जदयू नेता संजय कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के हेमरा चौक से रतनपुर तक हुई दौड़ प्रतियोगिता में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर आने वाली बच्चियों को प्रशस्ति पत्र व नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी 19 जनवरी को नशाबंदी के समर्थन में होने वाले मानव श्रृंखला में जिले वासियों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया, उसमें से सभी लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की गई। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। कार्यक्रम था कि यहाँ के लोगों के द्वारा आयोजित किया गया था, जल जीवन हरियाली, मद्य निषेध, नशाबंदी एवं बाल विवाह उन्मूलन तथा दहेज प्रथा उन्मूलन, इन सभी कार्यक्रमों को समेटे हुए यह एक दौड़ प्रतियोगिता बच्चों के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें हम लोगों ने शामिल हुए और ये संदेश समाज को देना था कि इस तरह के कार्यक्रम में लोग आगे बढ़ करके हिस्सा लें। साथ साथ जो आगामी 19 जनवरी मानव श्रृंखला इससे संबंधित आयोजित होने वाली है, उसमें भी लोगों से अपील की सब लोग आएँ और बढ़ सकें। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 2016 में जब शराबबंदी कानून लाया गया, और उस शराबबंदी कानून लाने से जो बिहार में खुशियाँ छाई, जो हर गांव में, हर टोला, हर मोहल्ला और हर घर में, खास करके उन बच्चों के बीच जिनके माता पिता शराब का सेवन करते थे, और शराबबंदी कानून आने से वो जब शराब पीना छोड़ दिए हैं, उनके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं बच्चे, और घर में जो एक कलह की वातावरण रहता था वो वातावरण अब समाप्त हो गया है, हर जगह खुशियां आने लगी है। लेकिन इसको लगातार एक जागरूकता लोगों के बीच एक मैसेज जाना चाहिए, जो ये गलत काम है इसको किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, और खास करके बच्चे जब अपने माता को, अपने पिता को समझाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे वो प्रेरित होंगे। उसी प्रेरणा को जगाने के लिए लगातार 2016 से, चाहे वो दौड़ प्रतियोगिता के माध्यम से हो, साइकिल यात्रा करके, मोटरसाइकिल यात्रा करके, लोगों के बीच दूध पिला के, इस तरह के कार्यक्रम लगातार हम लोग करते हैं, जो ताकि समाज में एक जागरूकता बनी रहे जो शराब पीना गलत है। और अभी तो सरकार की सबसे बड़ी योजना जल जीवन हरियाली, जो हम जलवायु, हमारा जो, हम लोग जो पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, उस पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम जो, और 19 जनवरी को जो जल जीवन हरियाली पर मानव श्रृंखला है, उसका भी हम लोग लोगों के बीच संदेश दे रहे हैं, जो हम लोगों को उस मानव श्रृंखला में शामिल होना है और जल जीवन हरियाली को। समाज में भी जितनी तरह की कुप्रवृत्तियां फैली हुई हैं, इसका एक मुख्य कारण शराब है, ये सबको जानते हैं। और राज्य सरकार ने जो इसका पहल उठाया, जो कदम उठाया इसकी उन्मूलन का, तो ये उन्मूलन के और उसकी जागरूकता, ये सबसे बड़ी बात है कि आज बच्चों के बीच से ये जागरूकता शुरू हो रही है, जो बहुत आवश्यक है हमारे समाज के लिए। और शराब ही एक ऐसा है जिसके कारण और भी कई प्रकार की कुप्रवृत्तियां फैल रही हैं हमारे समाज में, तो लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है और सरकार को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद मैं देना चाहूँगी। और संजय जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करवाया है, इनको भी मैं साधुवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने समाज के उन तमाम बच्चों के माध्यम से ये बताया शराबबंदी क्या होती है, और बच्चों ने जो वहाँ पर जो बच्चे भाग लिए उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्य किया और उस बात को समझने का उन्होंने प्रयास किया, और ये इस तरह का कार्यक्रम बहुत सराह रहे हैं। हमेशा हर अच्छे लोगों का ही समाज नहीं होता, एक ग्रुप ऐसा भी है, एक समूह ऐसा भी है जो हमेशा गलत करने के लिए तैनात रहता है। लेकिन ठीक है, ये प्रयास है कि शराब को इस तरह से हम लोग सामने तो कोई नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन बात ये है कि इस पर भी सरकार चुप नहीं बैठी है, दंडित किया जा रहा है ऐसे लोगों को। ऐसी बात नहीं है कि लोग जो शराब के साथ पकड़े जाते हों उसको किसी तरह से उनको प्राइज दिया जा रहा है, उनको उन पर दंड दिया जा रहा है, और उसका तो सरकार प्रयास कर रही है, यही काफ़ी है।